अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं हमारी कॉर्डलेस ड्रिल मशीन, और ये है एक्वा रेसर मेड इन चाइना, बट कंपैरेटिवली ये और मशीन से बहुत अच्छी क्वालिटी में है। तो आज चलें इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं हम लोग, और आपको थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं। ये देखें जनाब, ये है हमारी एक्वा रेसर। अच्छा, इसके अंदर जो टूल्स हैं हमारे, इसमें मैं आपको बताता चलूँ, ये इसके साथ एक इसकी ड्रिल मशीन है, और रिचार्जेबल इसकी बैटरी होती है जो 12 वोल्ट की है बैटरी। ठीक है, ये इस तरह से इसको हम इसको प्लग इन करते हैं, लगाते हैं, फिर हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, एक बैटरी ये है, और इसके साथ एक और बैटरी एक्स्ट्रा बैटरी दी गई है इसमें। ठीक है, ये आप देख रहे हैं एक्वा रेसर 12 वोल्ट 1.5 मिली एम्पियर, और इसके साथ इसका चार्जर है। वैसे इसकी बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं, इसके अंदर अगर हमें कहीं ट्रैवल पे हैं या कोई ऐसा काम है जो हमें आउटडोर करना है, अपनी शॉप पे करना है या हमें अपने ऑफिस में करना है, तो हम इसे इजीली हम इसको कैरी कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये ड्रिल मशीन है, इसके अंदर ये सारे इसके स्लॉट्स दिए हुए हैं स्पीड के। ठीक है, ये इसका मार्क होता है यहाँ पे, ये देखें, अभी हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ये 1 स्पीड है, ठीक हो गया, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, और ये तकरीबन ये है 25 तक। ओके, अच्छा, इसके बाद ये एक पॉइंट होता है यहाँ पे इसका, ये दिया हुआ है ड्रिल का, ये आप स्क्रू टाइप देख रहे हैं, ये अगर हमें किसी लकड़ी में या हमें किसी लोहे की चीज़ में अगर हमें सुराख करना हो तो हम इसे इजीली इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसके अंदर ऑटो चक होता है, इसमें की लेस होता है। ये देखें, अब आपने इसको यहाँ से पुश करना है तो ये रिवर्स चलेगी, और यहाँ से ये स्ट्रेट चलेगी। ठीक है, अब हमने इसको रिवर्स में लेने के बाद हमने इसको देखें, ये हमारा चक खुल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें सिंपली अगर हमारा स्क्रू का कोई काम है, कोई स्क्रू ड्राइवर 4 मुँह वाला है या 2 मुँह वाला है, वो हमने इसमें ईजीली हमने लगाया, ठीक हो गया, और इसके बाद हमने इसको बैक एंड पे लिया वापस इस तरह से, और हमने इसको लॉक कर दिया। देखें, ये लॉक हो गया, इसको आप हाथ से पकड़ नहीं सकते, आप इसे मतलब इतनी पावरफुल मोटर होती है इसकी कि आप इसे पकड़ नहीं सकते इसको आप। ठीक है, ये स्पीड मोड होता है इसका, जितना आप दबाएंगे इतनी स्पीड पे चलेगा ये। ये देखें, अगर रिवर्स चलाना है आपने तो ये रिवर्स हो जाएगा, अगर स्क्रू खोलना है आपने। ठीक है, बड़ी हैंडी और बड़ी कंपैटिबल है। अच्छा जी, अब हम इसके आगे फीचर्स और दिखाते हैं और चीज़ें इसकी, इसके जो टूल्स हैं। अच्छा, इसमें इसके साथ दिए गए हैं ये सारे टूल्स, ये आप देख सकते हैं, ये 2 मुंह वाला है स्क्रू ड्राइवर भी है साथ में इसके। ठीक है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपने 2 मुंह का स्क्रू आपने खोलना है तो वो आप खोल सकते हैं। अच्छा, ये ड्रिल के बिट्स दिए हुए हैं, ये लकड़ी के लिए यूज़ होते हैं, वुड के लिए, और ये वाले जो हैं ये लोहे के लिए, आयरन की कोई ऐसी चीज़ हो या कोई चादर हो लोहे की या कोई ऐसी चीज़ आपने जिसमें सुराख करना हो उसके लिए दिए गए हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ दी गई है, जो वैसे मैंने बहुत सारे और भी मैंने मार्केट में देखे थे ड्रिल्स, तो उसके अंदर ये चीज़ें, ये पार्ट्स नहीं होते थे इसमें, जो टूल्स हैं ये हमें देखें, ये हमें 12 नंबर का भी है, इसमें 10 नंबर का भी है, कोई हमें नट बोल्ट अगर खोलना है या टाइट करना है तो इसके लिए भी ये हमें इसकी गोटियाँ दी गई हैं साथ में। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हमें ये लगाना पड़ेगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ लगा के। ये देखें, ये इस तरह से इसमें लग जाएगा, आई थिंक ये वाला आएगा इसमें, जिसमें बॉल होता है ये। ठीक है, बॉल देख रहे हैं आप, ये बॉल इसका लॉक होता है, ये इसमें लॉक हो गया और ये फिर इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है,
इसी तरह से हमने फिर इसको वापस हमने लूज करना है। ये देखें ये लूज हो निकल गया बाहर, और हमने इसे जो है बहुत एहतियात से पकड़ के हमने रिवर्स लिया, और हमने यहाँ से हमने इसको वापस बैक एंड पे रिवर्स लिया और हमने इसको टाइट कर लिया। अब देखें इसी तरह से ये इसके अलग अलग इसके दिए हुए हैं नट्स, ठीक है, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11 और 12, 12 नंबर तक दिया गया है। अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है एलईडी लाइट, किसी अंधेरी जगह पे अगर आपने ड्रिल करना है तो वो भी इसके अंदर बड़ा एक अच्छा फीचर दिया गया है, तो वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हमने नट या हमने स्क्रू अगर खोलना होगा तो फिर हम इसे नंबर पे लेकर आएंगे, ठीक है, हम ड्रिल वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे जो यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और भी है, ये स्पीड मोड है, ये स्लो स्पीड है, देख रहे हैं आप फर्क आ रहा है स्पीड में, ये फास्ट नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, मुझे भी अब एक्चुअली थोड़ा सा आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे लिए भी बिल्कुल नई चीज़ है ये, मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा सीखने में इसको, बट ये है कि इसके अंदर ये सारे फीचर्स हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा जो पसंद आई है ना, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक ये दिया गया है, ये स्प्रिंग टाइप होता है, ये स्वेल टाइप इसका ये दिया गया है, इसके अंदर बिट, इसको हमने टाइट कर लिया, ठीक है। अच्छा, आप कोई ऐसी जगहें हैं जो हमने जो है हमें नहीं पता कि एक मिनट, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी जगह होती हैं जो अंदर की तरफ है, कोई कबर्ड के अंदर का कोई स्क्रू है या कोई ऐसी चीज़ें जो आपने टाइट करना हो, वो आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं, जब आपका हाथ ना जा रहा हो, ठीक है। अब ये देखें, ये ड्रिल मैंने यहाँ रखी है और ये स्क्रू घूम रहा है, देख रहे हैं आप, थोड़ा अभी ये जब ग्रिप में आएगा तो ये सही हो जाएगा, अभी ये थोड़ा सा आपको लूजिंग में लग रहा होगा, बट ये चलने में बिल्कुल परफेक्ट है। ये रिवर्स हो गया, ये रिवर्स साइड हो गई और ये फ्रंट साइड हो गई, है ना, बड़ा मज़े का ये। तो मैंने कहा यार ये आपसे शेयर करूं आज मैं, और उम्मीद है आप लोग को ये ज़रूर पसंद आया होगा, और लेना चाहें तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बट बहुत सारे इसमें मॉडल्स हैं, बट ये कि आपने चाइना की अच्छी जो कैटेगरी है वो फिर आपने इसके अंदर लेना पड़ेगा। ये देखें ये आ गया ऐसे, ये टाइट हो गया, ठीक है, ये मैंने इसे अपनी जगह इसको लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसकी जो है ना यूजेज आपको दिखाता हूँ कि हम किन किन जगहों पे और किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी वर्किंग, ये किस तरह से इसको हम वर्किंग में ले सकते हैं। ये हमने पहले बिट लगाया इसका, ठीक है, यहाँ से हमने इसको बैक एंड पे किया दबा के, ठीक है, ये यहाँ से भी प्रेस होता है और यहाँ से भी, ठीक है। ये अब हमने इसको करना है टाइट, ठीक है। अब हमने इसको लेके आना है ड्रिल मोड पे, ठीक हो गया, ये आ गया ड्रिल मोड पे,
ये देखें जी, सफाई के साथ इसने इसके अंदर होल कर दिया। जी जनाब, तो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि स्क्रू को हम किस तरह से इसमें लगाएंगे और निकालेंगे। ठीक है, बैक एंड पर हमने इसको लूज किया वापस और ये हमने इसका बिट निकाल दिया। बिट निकालने के बाद हमने स्क्रू वाला हमने इसका बिट निकाला। ठीक है, ये टाइट हो गया। ये हमारे पास एक स्क्रू है चार मुंह वाला और इसका वाइशर है इसके साथ, तो इसे हम आपको लगा के दिखाते हैं तो हम इसे किस तरह से इसको लगाएंगे। चाहे तो आप होल में भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये इसने इसमें लगा दिया और अब इसे निकालना हो तो हम इसे प्रेस करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे सरफेस होते हैं जहाँ पे सुराख नहीं हुआ हुआ है, जैसे सपोज, तो इसके लिए भी हमारे पास एक कट स्क्रू यही है, तो हमने ऐसे रखना है। थोड़ा सा अगर कट लगा के लगाएंगे तो वो पॉइंट तौर पर लग जाएगा, बट ये भी इंशाल्लाह, ये देखें बिल्कुल स्मूथली इसने लगा दिया इसको। निकालने के लिए हमने बटन प्रेस किया वापस, देखा आपने इतना इजीली इसने इसको निकाल भी दिया। इसका इतना प्रेशर था कि इसने वाइशर को भी दबा दिया, अंदर प्रेस कर दिया, यानी कि ये बहुत अच्छा साइन होता है कि ये वाइशर को भी अंदर अपने साथ मर्ज कर लेता है ये। ठीक है, ये देखें, ये हमारे एक हमने ड्रिल से सुराख किया था और एक हमने स्क्रू जो लगाया था, ये इसका सुराख है। ठीक है, और अच्छा एक आपको चीज़ दिखाना भूल गया था, इसके साथ इसका कैटलॉग भी आया था। ठीक है, ऑपरेटिंग मैनुअल, ये भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ। ये देखें, ऑपरेटिंग मैनुअल कॉर्डलेस ड्रिल 12 वोल्ट/18 वोल्ट, बट ये 12 वोल्ट ही है, 18 वोल्ट इन्होंने लिखा है, बट 18 वोल्ट की बैटरी भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं, जो कि ना लगाएं तो बेहतर है। ठीक है, ये इसका मैनुअल आ गया, पावर डीसी 12 वोल्ट 18 वोल्ट की कैपेसिटी और मैक्सिमम क्लैंपिंग कैपेसिटी इसकी 10 mm है, मैक्सिमम स्क्रू डायमीटर 7 mm का इसका दिया हुआ ऑप्शन, बैटरी लियोन है। ठीक है, लोड स्पीड 1 जो है, जो जब जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो वो 0 to 350 rpm है, और अगर हम हाई स्पीड पे जैसे हम चला रहे हैं तो 1400 rpm है। इसी तरह से स्टील का जो इसके अंदर ड्रिलिंग कैपेसिटी दी गई है, मैंने कहा था कि लोहा या स्टील या वुड, तो 10 mm तक की हम इसके अंदर गुंजाइश है, हम इसको सुराख कर सकते हैं, और वुड के अंदर हम 20 mm तक का सुराख कर सकते हैं। ठीक है, ड्रिल स्पिंडल थ्रेड 1.5 20 micro nf। ठीक है, नेट वेट इसका 1.1 kg है। ठीक हो गया, बाकी सब इसमें एडिशनल सेफ्टी रूल्स और ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इसके पार्ट्स की मालूमात दी गई हैं, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस अपना दी गई हैं। ठीक हो गया, और बाकी जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ जनरल व्यू। ठीक है, इसके अंदर देखें, सबसे पहले पेन हेड स्क्रू M6x20 कीलेस ड्रिल चक इसमें दिया हुआ है, टॉक सेटिंग रिंग है, एडजस्ट नट है, ये सारी चीज़ें शेम और ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। ठीक है, तो बट एनीवे मेरा माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ये परचेज़ करने के बाद थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, बट ये है कि लेने के बाद अब ये है कि मुझे थोड़ा सा इत्मीनान है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सही चीज़ ख़रीद ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी सही चले इंशाल्लाह। तो आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इंशाल्लाह ऐसी नई चीज़ें और भी मेरे पास आएंगी तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम।